हेलो गाइस, माय सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू मी चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये एंगेजमेंट मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये एक स्पेशल डे का मेकअप लुक है, तो मैंने इसे बहुत ही इजी तरीके से करने की कोशिश की है। सो कीप ऑन वॉचिंग। पहले से ही अपना हेयर सेट करके रखी हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक जूड़ा बनाया है। और ये जो है, ये मेरा हाथ का बैंगल्स था, मैंने इसको ही क्लिप करके ऐसे लगा लिया, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हेयर को टू पार्ट में सेपरेट किया है और सामने से थोड़ा सा हेयर लेके उसको बैक कॉम करके ऐसे पिन कर लिया है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हेयर को बैक कॉम करके मैंने पिन कर लिया है। इस तरफ भी ऐसे ही कर लिया है। तो मैंने थोड़ा सा हेयर को निकाल के रखा है लॉक्स की तरह, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, पर मैंने इसे अभी तक सेट नहीं किया है। मैं इसको अंदर ही रखती हूँ, अभी मेकअप ख़त्म होने के बाद मैं इसे सेट कर लूँगी। मैंने बेस मेकअप भी अपना करके रखा है। मैंने अपना आईब्रो पाउडर से आईब्रो डिफाइन कर लिया है। और फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे मेरा जो लैक्मे सीसी क्रीम है और लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन है, इस दोनों को मिक्स करके बेस क्रिएट किया है। और कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का फिट मी कंसीलर। मेरे हर वीडियो में यही बेस यूज़ करती हूँ, तो मैं एक वीडियो का लिंक आपको नीचे दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना कि मैंने बेस कैसे क्रिएट किया है। तो अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी, पहले मैं आई शेडो ड्रॉ करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैरी जो के एचडी का लूज पाउडर से अपने अंडर आईज एरियाज और आई लीड को सेट कर लूँगी। उसके बाद मैंने आई शेडो के लिए यहाँ पे हुदा ब्यूटी का डेजर्ट डैश का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। यहाँ से ये ट्रांजिशन शेड लेके मैं अपने आईज़ के क्रीज पे और पूरे लीड पे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट ये ऑरेंजिशा शेड मैं फिर से अपने आईज़ के क्रीज पे अप्लाई करूँगी और ट्रांजिशन शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट ये डार्क चॉकलेट सा शेड लेके मैं अपने आईज़ के आउटर वी से क्रीज की तरफ सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करती रहूँगी। ये कलर को अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कोई हर्श लाइन ना दिखाई दे और जो कलर मुझे चाहिए वो कलर प्रॉपर मुझे मिल जाए और लुक को एक डेप्थ मिले। इस मेकअप लुक के लिए मैं जो जो प्रोडक्ट यूज़ करूँगी सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अब मैं मेबलिन का कंसीलर से अपने आईज़ के मिड लिट को कट कर लूँगी। ये कट करने के टाइम एक स्मॉल फ्लैट ब्रश ले ताकि जो कट है वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद मैं उस कंसीलर को एक लूज पाउडर के हेल्प से सेट कर लूँगी। आप लोग चाहो तो ये स्टेप कर सकते हो या तो स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ये सिमरीशा चॉकलेट शेड लेके एक स्मॉल फ्लैट ब्रश के हेल्प से आईज के मिड लिड पे पैट कर लूँगी। कोई हर्श लाइन ना दिखाई दे इसीलिए मैंने यहाँ पे वो डार्क चॉकलेट सा शेड लेके अपने आईज़ के आउटर वी पे और इनर पे प्लेस कर लिया है और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करके मिक्स कर लिया है मिड लिड के साथ। नेक्स्ट मैं आईज़ के आउटर लाइन के क्लोज वो डार्क चॉकलेट सा शेड फिर से प्लेस कर लूँगी और उसे हल्के से ब्लेंड कर लूँगी एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से। अब एक लैक्मी के वाटरप्रूफ लाइनर के हेल्प से मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। विंग को ज़्यादा खींचना नहीं है, बस एक स्मॉल विंग लाइनर ड्रॉ किया है मैंने। नेक्स्ट मैं अपने वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे NYBA का काजल यूज़ किया है। काजल को मुझे थोड़ा सा स्मच कर लेना है इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से वही डार्क चॉकलेट शेड के साथ काजल को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि एक अच्छा स्मजी लुक मिले। यहाँ जो एक्स्ट्रा पाउडर था मैंने उसे रिमूव कर लिया है। आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैंने वही सेम पैलेट से ये वाइट शिमरीशा शेड लिया है। एक आईलैश कर्लर के हेल्प से मैंने अपने आईलैशेस को कर्ल कर लिया है। उसके बाद अपने मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा के हेल्प से मैं अपने लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी। नेक्स्ट मुझे अपने फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग करना है, तो मैंने यहाँ पे द बॉम कॉस्मेटिक्स का ब्रॉन्जर यूज़ किया है और अपने जॉ लाइन पे और नोज़ को भी मैंने इसी के हेल्प से थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग कर लिया है।
ब्लश किट के लिए मैंने यहाँ पे मेरा फेवरेट मिस क्लेयर का ब्लश किट यूज़ किया है। मुझे फेस को थोड़ा सा बेकिंग करना था तो मैंने यहाँ पे वही ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज़ किया है मैरीजो के HD का। नेक्स्ट मेरे नोज चिक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिवाना का हाईलाइटर पैलेट यूज़ किया है। मैं एक पिंक लिप लाइनर के हेल्प से अपने लिप के आउटर लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये पिंक फुशिया शेड यूज़ किया है लिप कलर के लिए। ऑफ़ कैमरा मैंने अपना फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर लिया है और मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करना भूल गई थी तो मैंने यहाँ पे फिर से सिवाना का हाईलाइटर पैलेट यूज़ किया है। ये पर्ल्स के इयररिंग्स और नेक पीस के साथ मैंने कर लिया अपने लुक को कंप्लीट। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल मेकअप लुक एंड आई होप कि मेरा ये मेकअप लुक आप लोगों को थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना एकदम मत भूलना। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज, मैं अगर आप लोगों को पर्सनली पसंद हूँ तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइज, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।